वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मस्तिष्क की संरचना। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास जो थी, उस प्रीवियस क्लास में हमने मस्तिष्क आवरण के बारे में अध्ययन कराया। इसके अलावा प्रमस्तिष्क मेरुद्रव क्या है और प्रमस्तिष्क मेरुद्रव के फंक्शन क्या हैं, इनके बारे में अध्ययन कराया। आज का जो टॉपिक है वो है मस्तिष्क की संरचना। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है 26 से लेकर 30 चैप्टर तक है, जो कि 7 नंबर की है। इस 7 नंबर में एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अथवा में इसी यूनिट से मिल जाएगा आपको। अतः आपको इस यूनिट को बड़े सावधानी से और बड़े तैयारी से याद करना है। मस्तिष्क की संरचना की अगर हम बात करें तो मानव का जो मस्तिष्क है उसका निर्माण निम्न तीन भागों से होता है। मस्तिष्क का जो निर्माण है, मस्तिष्क का निर्माण निम्न तीन प्रमुख भागों से होता है। नंबर एक है बेटा आपका अग्रमस्तिष्क, दूसरा है आपका मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम फोर ब्रेन कहते हैं, इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं और इसको हम हिंद ब्रेन कहते हैं। ये नाम होंगे तीनों के, अग्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क की संरचना का जो निर्माण है वो तीन भागों से होता है। अग्रमस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया और पश्चिम मस्तिष्क हो गया। मस्तिष्क का जो डायग्राम है, मस्तिष्क की संरचना का जो डायग्राम है वो आपके सामने प्रस्तुत है, उसको देखिए आप। अब सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका अग्र मस्तिष्क। सबसे पहला अग्रमस्तिष्क, देखो बेटा ध्यान से इसको समझना, अगर समझ में आ जाएगा तो याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए आप पहले इसको ध्यान से समझें और उसके बाद जब मैं लिखाऊं तब आप इसे लिखें। अग्रमस्तिष्क की बात करें तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो कि संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 70% भाग बनाता है। अगर मस्तिष्क की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो कि संपूर्ण मस्तिष्क का 70% भाग बनाता है। कितना बनाता है बेटा? 70% भाग बनाता है। इस अग्र मस्तिष्क में दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक तो है आपका प्रमस्तिष्क और दूसरा है अग्रमस्तिष्क पश्चिम। अग्रमस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो कि संपूर्ण जो मस्तिष्क है, इस संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 70% भाग बनाता है।
अग्र मस्तिष्क निम्न दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है, पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा है अग्र मस्तिष्क पश्चिम। अब सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं बेटा? अग्र मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। तो ये हेडिंग लिख देंगे बेटा प्रमस्तिष्क। एक ही बेटा, यह मस्तिष्क का, यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित पार्ट होता है। कौन सा बेटा? प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात है, ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझोगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है, जो कि प्रमुख दो भागों में, बायां भाग और दायां भाग, यह दो भागों में बटा होता है। बायां भाग और दायां भाग, इन दोनों भागों को मिलाकर हम इनको कहते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या कहते हैं बेटा? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। प्रमस्तिष्क गोलार्ध की संरचना का अध्ययन करते हैं हम, तो ध्यान से समझना बेटा, ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, ये घनपिंड है, ये दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध हो गया, ये बायां गोलार्ध हो गया, और ये दोनों कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये घनपिंड हो गए, ठीक है बेटा। प्रमस्तिष्क की बात कर रहे हैं हम, तो प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। ये दोनों जो भाग हैं, ये दोनों भाग यानी प्रमस्तिष्क बाएं भाग और दाएं भाग में बटा रहता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। बायां गोलार्ध, बायां जो गोलार्ध है, ये दायां गोलार्ध हो गया, ये बायां गोलार्ध। बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है, और दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है। बहुत समझने की आवश्यकता है बेटा, इसको समझने का प्रयास करें। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है, जो कि बाएं भाग और दाएं भाग में बटा होता है, जिन्हें हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध एक कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है, और दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को ऊपर से जब देखते हैं तो यह अंडाकार दिखाई देता है और एक दरार नुमा संरचना से जुड़ा रहता है। इससे दरार, खांच, खांच जैसी संरचना से जुड़ा होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध अंदर से खोखला होता है, जिसके दो क्षेत्र होते हैं। इनकी जो भित्ति है, उस भित्ति में दो क्षेत्र होते हैं। बाह्य जो भाग होता है वो प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स कहलाता है। इसका जो बाह्य क्षेत्र है वह प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसमें न्यूरॉन का साइटोन कोष का काय भाग पाया जाता है। यह धूसर द्रव का बना होता है, जबकि अंदर का जो क्षेत्र है वह श्वेत द्रव से बने एक्सॉन अर्थात न्यूरॉन के एक्सॉन भाग पाए जाते हैं, अतः इसका श्वेत रंग होता है। ठीक है बेटा,
ये प्रमस्तिष्क भाग हो गया बेटा आपका, विशेष कर ध्यान करो आप, यह है अग्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा और व्यस्त भाग होता है, जो कि बाएं भाग और दाएं भाग में बटा होता है। इन दोनों भागों को प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों गोलार्ध कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है और दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है। ऊपर से देखने पर दोनों गोलार्ध अंडाकार दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक दराज जैसी संरचना से जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध अंदर से खोखले होते हैं। इनकी भित्तियों में दो क्षेत्र होते हैं। बाह्य क्षेत्र प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसमें साइटोन जो न्यूरॉन है उसका साइटोन भाग पाया जाता है, अतः यह धूसर द्रव से बना होता है, अर्थात इसमें धूसर द्रव पाया जाता है। जबकि जो अंदर वाला हिस्सा है वह श्वेत रंग का पाया जाता है, अर्थात उसमें श्वेत रंग के एक्सोन भाग पाया जाता है। यह आपका प्रमस्तिष्क हो गया बेटा। दूसरा है बेटा आपका ग्रहण पिंड। ग्रहण पिंड प्रमस्तिष्क जो है, प्रमस्तिष्क गोलार्धों के अग्र भाग पर, ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध होंगे, इनके अग्र भाग पर दो छोटे दाने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम ग्रहण पिंड कहते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध के अग्र भाग पर दो छोटे दाने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम ग्रहण पिंड कहते हैं। इसमें सूने के उद्दीपक पाए जाते हैं, अर्थात यह सूने की शक्ति प्रदान करता है। कुत्ते के अंदर ग्रहण पिंड सबसे ज्यादा विकसित पाए जाते हैं। कुत्ते के जो ग्रहण पिंड हैं वो सबसे अधिक विकसित होते हैं। अब प्रमस्तिष्क के फंक्शन की बात करें, कार्यों की बात करें, हम प्रमस्तिष्क के कार्य सोचना, तर्क, विचार विमर्श, याददाश्त आदि कार्यों पर नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क जो है ये सोचना है, चिंतन है, मनन है, तर्क है, याददाश्त आदि कार्यों पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह ज्ञानेंद्रियों से, नाक कान और आंख, ज्ञानेंद्रियों से जो संवेदनाएं ग्रहण की जाती हैं, अर्थात ये ज्ञानेंद्रियों से संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है और उनके लिए उचित कार्रवाई करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। ये आपका प्रमस्तिष्क हो गया बेटा। यह अग्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है, जो कि बाएं भाग और दाएं भाग में विभाजित होता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। दोनों गोलार्ध एक कॉर्पस कैलोसम नामक संरचना द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बाया गोलार्ध शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है, दाया गोलार्ध बाएं भाग का नियंत्रण करता है। अंडाकार संरचना है, अंदर से खोखले होते हैं। इनकी भित्ति में दो क्षेत्र होते हैं। दो क्षेत्र बाह्य क्षेत्र धूसर द्रव का बना होता है, जिसमें न्यूरॉन के साइटोन उसका कार्य भाग पाए जाते हैं। अंदर जा वाला जो क्षेत्र है वह श्वेत द्रव पाया जाता है उसमें, अर्थात ये एक्सोन भाग पाए जाते हैं। ग्रहण पिंडों की बात करें हम, तो प्रमस्तिष्क गोलार्धों के अग्र भाग पर दो छोटे दाने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ग्रहण पिंड कहते हैं। ये जो ग्रहण पिंड है ये गंध ज्ञान का केंद्र माने जाते हैं, अर्थात ये गंध का ज्ञान कराते हैं, सूंघने की शक्ति प्रदान करते हैं। कुत्ते के अंदर जो ग्रहण पिंड है वो सबसे अधिक विकसित होते हैं। प्रमस्तिष्क के फंक्शन की बात करें हम, तो सोचना, चिंतन, मनन, तर्क, विचार विमर्श, याददाश्त आदि कार्यों पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह ज्ञानेंद्रियों से
जो आने वाली सूचना है उनको प्राप्त करने का कार्य करता है, अर्थात उन्हें ग्रहण करता है और उचित कार्रवाई भी करता है। अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है वो है बेटा अग्र मस्तिष्क पश्य। एक प्रमस्तिष्क हो गया बेटा और दूसरा जो पार्ट है वो है बेटा अग्र मस्तिष्क पश्य। अग्र मस्तिष्क पश्य नाम क्या है? अग्र मस्तिष्क पश्य, पश्य माने पीछे का भाग, तो यह अग्र मस्तिष्क के पीछे का भाग होता है, अर्थात अधर भाग में स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क गोलार्ध और मध्य मस्तिष्क के मध्य में पाया जाता है। यह प्रमस्तिष्क गोलार्ध और मध्य मस्तिष्क के मध्य में पाया जाता है। इसकी जो गुहा है वह दुग्ध गुहा के साथ संयुक्त होकर एक बलन के समान संरचना बनाती है। अगर मस्तिष्क पश्य की बात करें बेटा तो यह अग्र मस्तिष्क के पीछे की ओर अधर भाग में स्थित होता है, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध और मध्य मस्तिष्क के मध्य में पाया जाता है। इसकी गुहा दुग्ध गुहा के साथ मिलकर एक बलन के समान संरचना बनाती है, जिसे हम प्लेक्सस कोरोइड कहते हैं। अग्र मस्तिष्क पश्य की संरचना में तीन भाग होते हैं बेटा। एक होता है एपिथैलेमस, दूसरा पार्ट होता है बेटा थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। अगर मस्तिष्क पश्य तीन भागों से मिलकर बना होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब सबसे पहले एपिथैलेमस की बात करें तो यह अग्र मस्तिष्क, यह अग्र मस्तिष्क की छत बनाता है। जो छत है वो छत बनाने का कार्य करता है। किसकी? अग्र मस्तिष्क पश्य की छत बनाता है। अगर मस्तिष्क पश्य की बात कर रहे हैं हम तो यह अगर मस्तिष्क पश्य की छत बनाता है और लैंगिक परिपक्वता का नियंत्रण करता है। लैंगिक परिपक्वता का नियंत्रण करता है। दूसरा पार्ट है बेटा आपका थैलेमस। यह अगर मस्तिष्क जो पश्य है उसके पीछे अर्थात नीचे की ओर स्थित होता है। ये थैलेमस जो पार्ट है बेटा ये धूसर द्रव से बनी हुई अंडाकार संरचना होती है। धूसर द्रव से बनी अंडाकार संरचना होती है जो कि एपिथैलेमस की नीचे पाई जाती है। यह एक प्रसारण केंद्र है, अर्थात सूचना जो है सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। कौन बेटा? थैलेमस जो पार्ट है यह सूचना को ग्रहण करेगा और उन्हें आवेगों में बदलकर प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स में भेजने का कार्य करता है। तीसरा है बेटा आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करें हम तो यह प्रमस्तिष्क जो गोलार्ध है उनके आधारी भाग पर पाया जाता है तथा यह थैलेमस के नीचे पाया जाता है। एपिथैलेमस अग्र मस्तिष्क पश्य की छत बनाएगा और लैंगिक परिपक्वता का नियंत्रण करेगा। थैलेमस धूसर द्रव से बनी अंडाकार संरचना होती है और एपिथैलेमस के नीचे होगी और प्रसारण केंद्र है, अर्थात सूचनाओं को ग्रहण करके उनका जो आवेग है उन आवेगों को प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स में भेजने का कार्य करता है। तीसरा है बेटा हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस के नीचे पाया जाएगा अर्थात प्रमस्तिष्क जो गोलार्ध है उनके आधारी भाग पर स्थित होता है। अब हाइपोथैलेमस के फंक्शन की बात करें हम,
इसका फंक्शन लैंगिक परिपक्वता, इसका प्रसारण केंद्र और हाइपोथैलेमस की बात करें तो यह है भूख को, प्यास, नींद, घृणा, प्रेम आदि कार्यों पर नियंत्रण करता है, शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन हैं, पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह शरीर के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ जो हैं, उनका भी नियंत्रण करता है, जो कि रक्तदाब जो बीपी है उस बीपी का भी नियंत्रण करता है। तो ये आपका अग्र मस्तिष्क खत्म हो गया बेटा। मस्तिष्क की बात कर रहे थे हम, मस्तिष्क की संरचना में तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो ये दो भाग थे बेटा, एक था प्रमस्तिष्क और दूसरा था अग्र मस्तिष्क पश्चिम। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा विकसित पार्ट है, दो भाग में बाएं और दाएं भाग जिन प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहेंगे, जो कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ग्रहण पिंड जो है प्रमस्तिष्क गोलार्ध का जो अग्र भाग है, उन पर छोटे दाने के समान संरचना पाई जाती है जिन्हें ग्रहण पिंड कहते हैं। ये गंध का ज्ञान कराते हैं। कुत्ते के अंदर ग्रहण पिंड सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। प्रमस्तिष्क के फंक्शन की बात कर रहे थे हम, तो सूचना, तर्क, चिंतन, मनन, याददाश्त आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा ज्ञान इंद्रियों से जो सूचना है, उन सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह ऐच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। इसके बाद अग्र मस्तिष्क अगर पश्च की बात करें तो यह आधारित भाग में पाया जाएगा और प्रमस्तिष्क जो गोलार्ध है उनके और मध्य मस्तिष्क के मध्य में पाया जाएगा। इसकी गुहा दीप गुहा के साथ संयुक्त होकर एक बलन जैसी संरचना बनाता है जिसे हम कोरोइड कहते हैं। इसमें तीन भाग पाए जाते हैं, एपिथीलियम यह अग्र मस्तिष्क पश्च की छत बनाएगा और लैंगिक परिपक्वता का नियंत्रण करेगा। थैलेमस दूसरी तरफ से बनी एक अंडाकार संरचना होती है, एपिथैलेमस के नीचे होता है, प्रसारण केंद्र है तथा सूचनाओं के जो आवेग हैं उन्हें प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स में भेजने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो यह थैलेमस के नीचे पाया जाएगा, अर्थात जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है उनके आधारित भाग पर पाया जाता है। कार्यों की बात करें तो भूख, प्यास, नींद, घृणा, प्रेम जैसे कार्यों पर नियंत्रण करेगा, शरीर के ताप का नियंत्रण करेगा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन है उन हार्मोन के श्रावण का नियंत्रण करेगा। इसके अलावा यह रक्त दाब का भी नियंत्रण करता है। इस तरह से आपका पहला जो पार्ट था अग्र मस्तिष्क वो आपका खत्म हो गया। दूसरा है बेटा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। दूसरा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, यह मध्य भाग होता है, यह मस्तिष्क का मध्य पार्ट होता है जिसे मीजेन सेफेलॉन भी कहते हैं, जिसे मीजेन सेफेलॉन कहते हैं, मीजेन सेफेलॉन, यह मस्तिष्क का मध्य भाग होता है जिसे मीजेन सेफेलॉन कहते हैं। इसमें दो भाग पाए जाते हैं बेटा, पहला है आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मध्य मस्तिष्क की बात कर रहे हैं बेटा हम, ये जो मध्य मस्तिष्क है
या मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, जिसे मीजन सेफलॉन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संरचना में दो भाग पाए जाते हैं, पहला है कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। सुनिए बेटा ध्यान से, मध्य मस्तिष्क में जो मध्य मस्तिष्क है उस मध्य मस्तिष्क में चार ऑप्टिक लॉब्स पाए जाते हैं, दृष्टिपिंड, इसमें चार दृष्टिपिंड पाए जाते हैं। इन चार दृष्टि जो पिंड हैं, इनको संयुक्त रूप से कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना कहते हैं। मानव के मध्य मस्तिष्क में चार दृष्टिपिंड पाए जाते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से क्वाड्रा कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना कहते हैं। इन चार जो दृष्टि पिंड हैं, इनमें से दो दो पूर्व पिंड और दो अधो पिंड पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, चार जो दृष्टि पिंड हैं, इनको ही तो कह रहे हैं संयुक्त रूप से क्या कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। तो ये जो है, इनमें से दो तो पूर्व पिंड है और दो अधो पिंड हैं। ये मध्य मस्तिष्क, ये जो पिंड हैं, ये मध्य मस्तिष्क की जो सतह है, उस सतह पर एक टेक्टम नामक संरचना से जुड़े हुए रहते हैं। ये जो पिंड हैं, चारों जो पिंड हैं, ये मध्य मस्तिष्क की जो सतह है, उससे टेक्टम नामक संरचना से जुड़े हुए होते हैं। ये दृष्टि ज्ञान कराने का कार्य कराते हैं। दृष्टि ज्ञान के अलावा ये सुनने का भी कार्य करते हैं। किसका करते हैं? सुनने का कार्य भी करते हैं। ठीक है बेटा, मध्य मस्तिष्क खत्म हो गया। ये है मानव मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, जिसे मेसेंसेफलॉन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। तो मानव के मध्य मस्तिष्क में चार दृष्टि पिंड होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना कहते हैं। इन चार पिंड में से दो पूर्व पिंड और दो अधो पिंड होते हैं। ये दृष्टि पिंड मध्य मस्तिष्क की सतह से टेक्टम नामक संरचना से जुड़े हुए होते हैं, जो कि देखने और सुनने दोनों का कार्य कराने का कार्य करते हैं। दूसरा है बेटा प्रमस्तिष्क ग्रंथि। दूसरा पार्ट हो गया बेटा आपका प्रमस्तिष्क ग्रंथ। प्रमस्तिष्क ग्रंथ बेटा ग्रंथ है, तो यह है तंतुओं से निर्मित एक बंडल के रूप में पाया जाता है। यह तंतुओं से निर्मित, यह तंतुओं से निर्मित एक बंडल के रूप में पाया जाता है। बंडल के रूप में पाया जाता है, यह तंतुओं से निर्मित एक बंडल के रूप में पाया जाता है। यह प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स को, अब ये ग्रंथ है, ग्रंथ का मतलब जोड़ने वाला, तो यह प्रमस्तिष्क जो कॉर्टेक्स है, उस कॉर्टेक्स भाग को मेरुरज्जु और मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करता है। ग्रंथ है बेटा, तो ग्रंथ जोड़ने वाली संरचना है। अब तंतुओं से निर्मित बंडल है, तो ये जो प्रमस्तिष्क जो कॉर्टेक्स भाग है, उस कॉर्टेक्स भाग को मेरुरज्जु और मस्तिष्क के जो अन्य भाग हैं, उससे जोड़ने का कार्य करता है। इसको क्रूरा सेरेब्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्रूरा सेरेब्री ही कहते हैं। ये इसका क्या हो गया? कार्य हो गया। यह मध्य मस्तिष्क के अग्र भाग पर स्थित होता है, जो मध्य मस्तिष्क है उसके अग्र भाग पर पाया जाता है।
तो मध्य मस्तिष्क में बेटा दो पार्ट आए, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमना जिसमें दृष्टि पिंड पाए जाएंगे जो कि देखने और सुनने का कार्य कराएंगे, और प्रमस्तिष्क जो ग्रंथ है ये तंतुओं से निर्मित एक बंडल के रूप में पाया जाता है जो कि प्रमस्तिष्क जो कॉर्टेक्स है उसे मेरुरज्जु और मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का कार्य करता है। इसे क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूरा सेरेब्री। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है बेटा आपका पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क की संरचना का अंतिम भाग है बेटा पश्चिम मस्तिष्क। तीसरा भाग पश्चिम मस्तिष्क। आगे का हो गया मध्य का हो गया पश्चिम। यह मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला अर्थात पीछे की ओर स्थित और अंतिम भाग होता है। इसमें तीन भाग पाए हैं पश्चिम जो मस्तिष्क है बेटा, ये पश्चिम मस्तिष्क हो ये वाला भाग आगे से और ये पीछे की ओर जा रहा है। तो यह मानव मस्तिष्क का सबसे अंतिम और पश्चिम भाग होता है जिसकी संरचना में तीन भाग होंगे, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ओब्लॉन्गेटा। अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ओब्लॉन्गेटा। तो पहला पार्ट है आपका अनुमस्तिष्क, पहला पार्ट कौन सा हो गया बेटा आपका अनुमस्तिष्क। तो यह मस्तिष्क का अपेक्षा क्रम छोटा भाग है, यह अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है। तो जो डायग्राम में बना हुआ है बेटा, यह मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है जो प्रमस्तिष्क के आधारित भाग पर पाया जाता है, जो कि प्रमस्तिष्क के आधारित भाग पर स्थित होता है। यह अपेक्षाकृत छोटा भाग है और प्रमस्तिष्क के आधारित भाग पर स्थित होता है जिसमें काफी संख्या में खांच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काफी संख्या में खांच होती है। यह बेटा शरीर के संतुलन बनाने का कार्य करता है, यह शरीर का बैलेंस बनाता है, यह शरीर का बैलेंस बनाता है और यह अल्कोहल के सेवन से डैमेज होता है। क्या होता है बेटा? डैमेज। कभी कभार आप देखते हैं जो व्यक्ति यानी कि शराबी होता है वो इधर उधर ठक्के खाता है, इस तरह से उसके पैर यानी कि लड़खड़ाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अनुमस्तिष्क है ये शरीर का बैलेंस बनाता है। क्या बनाता है? बैलेंस बनाता है। और अल्कोहल का अगर ये सेवन अगर पिएगा तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक बेटा, अनुमस्तिष्क की बात कर रहे थे हम। यह अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है जो प्रमस्तिष्क के आधारित भाग पर स्थित होता है। इसमें अनेक संख्या में अर्थात काफी संख्या में खांचे पाई जाती है, ये शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा जो पेशी हैं, उनके जो कार्य हैं, उनमें एक सामंजस्य अर्थात समन्वय भी स्थापित करता है और अल्कोहल के सेवन से यह डैमेज होता है अर्थात शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा भाग बेटा पॉन्स, अनुमस्तिष्क, और दूसरा भाग हो गया बेटा इसका पॉन्स। देखिए बेटा इधर देखिए डायग्राम में कहां पाया जा रहा है, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लॉन्गेटा के मध्य में, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लॉन्गेटा के मध्य में स्थित भाग होता है कौन सा बेटा? पॉन्स बोरुलाई कहते हैं इसको। ठीक है, यह अनुमस्तिष्क और मेडुला के मध्य में भाग मध्य में पाया जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि प्रमस्तिष्क जो ग्रंथ है उसके तो नीचे
और मेडुला ओब्लॉगेटा के ठीक ऊपर स्थित होता है। यह प्राइमस्टिक्स जो ग्रंथ है उसके तो नीचे और मेडुला ओब्लॉगेटा के ठीक ऊपर स्थित होता है, जो कि अनुमस्तिष्क की जो दोनों पालियां हैं, अनुमस्तिष्क की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पॉन्स बोरोडाई की बात कर रहे हैं हम। तो यह प्राइमस्टिक्स ग्रंथ के ठीक नीचे और मेडुला ओब्लॉगेटा के ठीक ऊपर पाया जाता है, जो कि अनुमस्तिष्क की दोनों जो पालियां हैं उन पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें श्वास अनुचलन केंद्र पाया जाता है, अनुचलन केंद्र पाया जाता है, अर्थात ये संवातन की जो क्रिया है, श्वसन क्रिया है, उस श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। इसके अलावा लार श्रावण, अश्रु श्रावण और जो यानी चवर्ण क्रिया है, यानी चवर्ण यानी चबाना, जो चवर्ण की क्रिया है उसका भी क्या करता है, चवर्ण यानी चबाने की जो क्रिया है उसका भी नियंत्रण करता है। पॉन्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो यह है प्रमस्तिष्क जो ग्रंथ के ठीक नीचे और मेडुला ओब्लॉगेटा के ठीक ऊपर पाया जाता है, जो अनुमस्तिष्क की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें श्वास अनुचलन केंद्र पाया जाता है, अर्थात ये संवातन की क्रिया का नियंत्रण करता है। इसके अलावा लार का श्रावण है, अश्रु श्रावण है और चवर्ण यानी कि जो चबाने की क्रिया है, मुंह में कुछ खाने के बाद चबाने की क्रिया है उसका नियंत्रण करने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट आपका मेडुला ओब्लॉगेटा, जो कि लास्ट पॉइंट है मस्तिष्क की संरचना का, ध्यान से इसको समझना। तीसरा पार्ट मेडुला ओब्लॉगेटा, मेडुला ओब्लॉगेटा यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम और त्रिभुजा भाग है, सबसे अंतिम यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग एवं सबसे अंतिम भाग है और कैसा, यानी त्रिभुजाकार और त्रिभुजाकार भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम और त्रिभुजा भाग होता है, जो कि पॉन्स बोरोडाई, जो कि पॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड, जो मेरुरज्जु है, यह पॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु इन दोनों के मध्य में पाया जाता है। यह पॉन्स बोरोडाई और मेडुला यानी कि मेरुरज्जु के मध्य में पाया जाता है। मेडुला ओब्लॉगेटा की जो गुहा है उस गुहा को हम मेटास्पीन कहते हैं, इसकी जो गुहा है उसको हम मेटासील कहते हैं साहब, क्या कहते हैं बेटा, मेटासील। ठीक, अब मेडुला ओब्लॉगेटा के फंक्शनों की बात करें हम, कार्यों की बात करें हम, तो यह खांसने, श्वास लेने, निगलने आदि की क्रिया का नियंत्रण करता है। यह खांसने, श्वास लेने एवं निगलने की क्रिया का नियंत्रण करता है। इसके अलावा यह शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेडुला जो ओब्लॉगेटा है, यह खांसी, श्वास लेना ब्रीथिंग और निगलने की क्रिया का नियंत्रण करता है। इसके जो अलावा है, यह मेडुला जो ओब्लॉगेटा है सबसे अंतिम और त्रिभुजाकार भाग होता है, इसकी अगर गुहा है उसको मेटासील कहते हैं। यह पॉन्स बोरोडाई और मेरुरज्जु के मध्य में पाई जाती है। कार्यों की बात करें बेटा ये, तो ये खांसने, श्वास लेने और निगलने की क्रिया का नियंत्रण करता है। इसके अलावा शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन अनैच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है।
इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।